नमस्कार, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल में जिसका नाम है साहित्य सौंदर्य। साहित्य सौंदर्य में आज हम मोहिनी शर्मा के डिमांड पर लघु कथा पढ़ने जा रहे हैं, नाच न जाने आंगन टेढ़ा। लघु कथा शुरू करने से पहले आपको एक बात कहना चाहूँगी जो कि आपने कवर पेज पर भी देखी होगी कि लघु कथा जब से मैंने श्रृंखला चलाई है लोग इसे किप करके देख रहे हैं। जो मेरा एवरेज व्यू पॉइंट है चैनल का वह खराब हो रहा है। यदि इसी तरह चलता रहा तो माफ़ कीजिएगा, आगे मैं इस श्रृंखला को जारी नहीं रख पाऊंगी। यदि आप चाहते हैं कि आपको नित नई लघु कथाएं यहां सुनने को मिले तो कृपया वीडियो को पूरा देखिए। नाच न जाने आंगन टेढ़ा। कहावत का अर्थ है, यदि किसी को नाचना न आता हो फिर भी वह दोष देता है आंगन को कि आंगन ही टेढ़ा था इसलिए मैं नाच नहीं पाया। तो आइए पढ़ते हैं लघु कथा नाच न जाने आंगन टेढ़ा। माहिरा की बचपन से आदत थी बहाने बनाने की। न जाने माता पिता ने यह नाम माहिरा क्या सोचकर रखा होगा, किंतु बहाने बनाने में वह माहिर थी। जब परीक्षा में उसके कम अंक आए तो उसने कहा, मैंने तो पूरा पेपर अच्छे से लिखा था, यह तो एग्जामिनर ने ही मेरे नंबर काट लिए हैं। पीटीएम में माहिरा की मैडम ने उसके बदलते व्यवहार की शिकायत उसकी माँ से की तो माहिरा ने कहा, आपको नहीं पता माँ, यह मैडम मुझसे चिढ़ती हैं, और न जाने क्या क्या। घर बाहर के सभी लोग उसकी इस आदत से परेशान हो चुके थे। माँ ने सोचा उसकी यह आदत तो बदलनी होगी। माँ ने उसे समझाना चाहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, बेटा तुम्हारी आदत बनती जा रही है दोष दूसरों पर डालने की। तुम्हारी इस आदत की वजह से तुम्हें नुकसान झेलना पड़ सकता है, अब तो अपना व्यवहार बदल लो। माहिरा ने माँ की बात सुनकर भी अनसुनी कर दी। एक दिन सबक सिखाने के लिए माँ ने उसे लंच में जली हुई सब्जी दे दी। माहिरा नाराज हुई तो माँ ने कहा, यह तो मेथी ही कड़वी थी इसलिए सब्जी स्वाद नहीं बनी। अगले दिन माँ ने माहिरा की सब्जी में नमक तेज कर दिया। माहिरा ने पूछा, माँ आपने नमक इतना तेज क्यों कर दिया है। माँ ने मासूमियत से कहा, क्या नमक तेज हो गया है, मैंने तो गिनकर ही सब्जी में डाला था, यह तो नमक ही बेकार है। अब तो माहिरा समझ चुकी थी कि यह सब माँ उसे सबक सिखाने के लिए कर रही हैं। वह मुस्कुराई और माँ के पास जाकर कहा, नाच न जाने आंगन टेढ़ा, और माँ बेटी दोनों खिलखिलाकर हंस पड़ी। उम्मीद करती हूँ साहित्य सौंदर्य की लघु कथाएं आप इंजॉय कर रहे होंगे। यदि आप इस श्रृंखला को जारी रखना चाहते हैं तो वीडियो पूरा देखिए। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए गुड बाय, नमस्कार।